अस्सलाम वालेकुम। YouTube से रिलेटेड कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूंगा। सारे जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी बातें, उनको आप देखते हैं और रोजाना आप उनकी वीडियोस को देखते हैं, आप कहाँ पहुंच चुके हैं, आपने ग्रो किया नहीं किया, आपके व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू होगी। और आपको यकीनन आज हकायक के साथ और प्रूफ के साथ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप बड़े यूट्यूबर से सुनते रहते हैं और सारी बातें गलत साबित होती हैं। करंट सिचुएशन जो YouTube के ऊपर चल रही है उस हवाले से, YouTube के ऊपर आप डेली बेसिस पे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं और तो लाजमी चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इंडियन यूट्यूबर्स उन सबको आप देख रहे हैं और उनकी वीडियोस के अंदर वो आपको डरा डरा के और व्यूज़ के तरीके बता के बेतहाशा आपसे बातें करते हैं, आपको समझाते हैं। और उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं, जो समझते हैं। और आज आप कहाँ पर खड़े हैं, अगर आपके साथ जितनी भी मसाइल हैं, आप YouTube पे ग्रो नहीं कर पा रहे, व्यूज नहीं आ रहे, आप आज से परेशान होना खत्म कर दें। मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करता हूं, यहां पे आपको कुछ हकायक आपके साथ शेयर करता हूं और आप यकीनन हैरान हो जाएंगे देख के कि जो YouTube के बारे में बताते हैं, जो YouTube के बारे में वीडियोस बनाते हैं और जो SEO सिखाते हैं, जो लोग जो चैनल्स हमें SEO सिखाते हैं, उनके साथ क्या होता है। यहां पे मैं YouTube को ओपन करता हूं और YouTube के ऊपर यहाँ पे एक और चीज़, एक ये चीज़ है कि यहाँ पे सर्च करते हैं ट्यूब बडी और विड आई क्यू, ऐसे चैनल्स हैं जो आपको YouTube के बारे में सिखाते हैं, YouTube के बारे में समझाते हैं कि किस तरह से SEO करनी है, क्या करना है। उनके हालात देखें, उनके अपने चैनल की वीडियोज़ के हालात आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ट्यूब बडी और ये चैनल आ गया ट्यूब बडी का, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, साथ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 7,91,000 सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ, और 886 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। वीडियोस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखें आप YouTube वीडियो मिस्टेक्स दैट आर किलिंग स्मॉल चैनल्स। इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि जो आपके छोटे चैनल्स हैं उसके मतलब YouTube से रिलेटेड ही चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं। ये वीडियो है 10 मिनट का, इस पर 4 दिन पहले इसको अपलोड किया गया, इस पर व्यूज़ देखें 5.7 के, 57 के व्यूज़ आए हैं और देखें सब्सक्राइबर्स कितने हैं 791। नीचे देखें 10 दिन पहले 4.7 के व्यूज़, और इससे पहले एक और बात ये देखें कि 164 व्यूज 13 दिन पहले, इसके नीचे 14,000 व्यूज हैं वो 4 हफ्ते हो चुके हैं। और चैनल पे सब्सक्राइबर्स इसी तरह वीडियो सबसे इसी इतने ही सेम व्यूज हैं, और अगर आप देखें जो व्यू सब्सक्राइबर्स हैं 7,91,000 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल ट्यूब बडी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बताई जाती है, जिन्होंने कैलकुलेशन की हुई है, जो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर YouTube के कितने चैनल हैं, कितने चैनल मोनेटाइज, YouTube के बारे में जो आपको गाइडेंस दी जाती है, YouTube की SEO बताई जाती है, YouTube के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ये YouTube वाले करते हैं, ट्यूब बडी वाले करते हैं। यहाँ पे आप देखें हालत इनके अपने चैनल्स की, देखें व्यूज़ की देखें, और यही यूट्यूबर आपको बताएंगे आप पेड सब्सक्राइबर्स ना लें, आप पेड वॉच टाइम ना लें, आपके सब्सक्राइबर्स डेड हो जाएंगे, आपका चैनल डेड हो जाएगा। चैनल डेड नहीं होता है, कभी भी आपका चैनल डेड नहीं होता है, डेड होता है तो सब्सक्राइबर्स डेड होते हैं। अब 7,91,000 सब्सक्राइबर्स वाला YouTube चैनल, तो मैं तो कहूंगा इस पे सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टिव हैं, बाकी इनके सारे सब्सक्राइबर्स डेड हैं। तो इसका मतलब कि इनका चैनल भी डेड है, इनका चैनल डेड नहीं है बल्कि इनके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स डेड है, इनके व्यूज ड्रॉप हो चुके हैं, इनके व्यूज काफी हद तक गिर चुके हैं, जो सेम यूट्यूब के ऊपर हो रहा है दूसरे क्रिएटर्स के साथ, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ जो हो रहा है वही इनके साथ हो रहा है। यहाँ पे टिक लगी हुई है, टिक को आप देख सकते हैं, ये जो टिक होती है ये वेरीफाइड चैनल है, ठीक है। साथ में आपको विड आई क्यू को भी बताता हूँ, विड आई क्यू की क्या हालत है, और ये लोग आपको कहते हैं इस तरह ना करें, ये ना करें, सारी जिंदगी आप डरते रहते हैं, आप यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते खुल के अपने मुताबिक। अब 1.85 मिलियन, ठीक है, सब्सक्राइबर्स वाला चैनल विड आई क्यू आपके सामने है, इसकी वीडियोस को आप देखें, और यहां पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और अब यहां पे मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर्स और व्यूज 28,000, 60,000, 18,000, 8.8K, 30K, 42K, 157K, तो इट्स मीन के ये
इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के ऊपर भी वीडियोस की हालत आप देख सकते हैं, और ट्यूब बडी की हालत और बहुत ज़्यादा बुरी है, विड आई क्यू की भी ऐसी है। इसको आप कर सकते हैं इसके साथ, क्यों बाकी के इनके सब्सक्राइबर्स सारे एक्टिव हैं, नहीं है एक्टिव, डेड हैं सब्सक्राइबर्स, इनकी वीडियोस को नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। यही कुछ चीज़ें होती हैं यूट्यूब के ऊपर कि आप यूट्यूब पे ऑडियंस की इंटरेस्ट जो है, जिसके अंदर ऑडियंस की नीड है उसके मुताबिक वीडियोस को बनाएं। ये सारी नीड को भी पूरा कर रहे हैं, इनके जो इनके आप ये देख सकते हैं इनके जो थंबनेल हैं बेहतरीन थंबनेल हैं, प्रोफेशनल थंबनेल्स हैं। आप भी बनाते होंगे, आपके व्यूज़ नहीं आते होंगे, मैं बनाता हूँ मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो यही सिचुएशन है कि इतना आसान नहीं है, यूट्यूब का जो सिस्टम है वो बदल चुका है। आहिस्ता आहिस्ता आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। और वो लोग जो आपके चैनल के ऊपर आपके वीडियो के ऊपर आपके कमेंट करते हैं, और यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं, कमेंट के अंदर बताते हैं जी आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं है, आपके चैनल की ये हालत है, ये है ये है, खुद उनके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं होते। आप कॉमेंट्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय, यूट्यूब स्टूडियो में बार बार टाइम वेस्ट करने की बजाय, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज को देखते देखते बार बार टाइम वेस्ट करने की बजाय, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके ऊपर अगर रेगुलर काम करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता व्यूज आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप नया चैनल बनाते हैं तो नए चैनल की एक स्ट्रेटजी है, उसको अगर लेके आप चलते हैं, नया चैनल बनाने से पहले कुछ वीडियोज आप तैयार कर लें और फिर इसके बाद आप इसके ऊपर अपलोड करें, तो इंशाल्लाह आपके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये नहीं कि मिलियंस के अंदर व्यूज आएंगे, मिलियंस वाले सब्सक्राइबर्स की हालत आपने देख ली, और वो लोग जो कहते हैं कि पेड सब्सक्राइबर्स से आपके चैनल को नुकसान होता है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता है, मेरा चैनल सारी पेड वर्किंग है, उसके ऊपर मैं अर्निंग भी कर रहा हूं, कोई नुकसान नहीं होता। बस बात यह है कि आपने व्यूज किस तरह से, आपने अपनी कैटेगरी के ऊपर वर्क करना है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते रहते हैं तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज आते रहते हैं, बाकी हालत आपके सामने है। बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर व्यूज आने बंद हो चुके हैं, व्यूज का ये इशू यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के साथ है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटर आ चुके हैं और लोगों की जो नीड है वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ है, लोग एंटरटेनमेंट की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, टेक की जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं उसकी ऑडियंस बहुत कम है। सिर्फ वही हैं जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वही आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, और आप क्रिएटर्स ही एक दूसरे की वीडियोज़ को देखते हैं, इसके अलावा और ऑडियंस नहीं है। जबकि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस हैं, हर किस्म की ऑडियंस मौजूद है आपके उसके ऊपर ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। तो वो ऑडियंस ज़्यादा होने की वजह से उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और वैसे भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो हर शख्स देखता है। अगर आप टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आप भी कभी कभी अपनी म्यूट को बेहतर करने के लिए एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते रहते हैं, तो यही बात है, इसलिए परेशान होना छोड़ दें। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, इसके अलावा साइड के अंदर इसके अलावा एक्स्ट्रा को आपके पास काम है तो उसको आप कंटिन्यू रखें। यूट्यूब आप यह है कि रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको लगातार वीडियोज़ पर अपलोड करते रहना होगा, व्यूज आए ना आए, स्टार्टिंग की जो 100 वीडियोज हैं उस पर तो आप भूल ही जाएं कि आपकी व्यूज आएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और हर वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर वीडियो के ऊपर व्यू आए। कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की वॉच टाइम के हवाले से थी, उसके ऊपर अभी तक एक व्यू है, इससे पहले जो पीछे वीडियोज हैं उस पर किसी पे 150 है, किसी पे 200 है, किसी पे 400 है, 400 है, किसी पे 5 है, किसी पे 10 है, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब ये नहीं कि मेरी हर वीडियो के ऊपर 200-400 व्यूज आते रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे पता है इस तरह व्यूज नहीं आएंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस होती हैं। अगर इसके अलावा अगर आप 4000 घंटे वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर से रिलेटेड किसी किस्म की सर्विस को लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं 03108326498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें और आपको वहाँ ये सर्विसेज दी जाएंगी, सब्सक्राइबर्स की, वॉच टाइम की, ये सब आपको वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, रेट भी। और काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मैंने कई दफ़ा जो डिटेल के अंदर साथ रेट का बताया, लेकिन अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, अपना कंटेंट बनाएं, उसको अपलोड करते रहें, कोई इशू नहीं होगा, आपका चैनल लाजमी मोनेटाइज होगा, आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोज़ को देख के डर डर के आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्टेंट बनाएं और दिल खोल के बनाएं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।